जौनपुर के सुरेरी थानांतर्गत ग्राम सभा मूरकटिया के रामेश यादव एडवोकेट, जो पेशे से अधिवक्ता हैं, उनके पड़ोसी ने मारपीट किया। पुलिस द्वारा संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने पर मड़ियाहू तहसील में अधिवक्ताओं ने सुरेरी पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी किया। बता दें कि रामेश यादव मड़ियाहू तहसील में वकालत करते हैं। 4 मई को समय लगभग 7:50 पर घर पर पड़ोसी ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया और लाठी डंडे से पिटाई कर दिया, जिसमें रामेश यादव और उनकी पत्नी को भी काफ़ी चोटें आईं। इसी मामले को लेकर आज मड़ियाहू के अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में न्यायिक कार्यों से विरत रहे। अधिवक्ताओं की मांग है कि जितने भी नामजद आरोपी हैं गिरफ्तार नहीं होते तब तक मड़ियाहू के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। देखिए मड़ियाहू से अशोक कुमार दुबे की रिपोर्ट। मैं मोहन लाल यादव एडवोकेट, पूर्व तहसील अध्यक्ष, तहसील बार एसोसिएशन मड़ियाहू। सर, आज यहाँ जो पुलिस प्रशासन में मुर्दाबाद बोल रहे हैं आप सब, ये किस समस्या को लेकर है? ये यहाँ पे हमारे तहसील परिसर में अधिवक्ता रामजस यादव जी हैं, जिनका गांव है मुरकटिया, थाना सुरेरी। पड़ोसियों से इस दीवार को बनाने में जो अवैध कब्जा वो लोग कर रहे थे, इस पर कोई पूछताछ करने गए तो उन लोगों ने लाठी डंडा डगर पत्थर लेकर के जानलेवा आक्रमण कर दिया। उनके घुटने पे, शरीर में तमाम तरह जो है तरह के गंभीर चोटें हैं। उनकी बूढ़ी माँ, भतीजी, तमाम परिजनों को घायल कर दिया गया। ऐसे हालात में जितने लोगों को सुरेरी इंचार्ज ने बैठाया था उसमें से काफ़ी तो छोड़ दिए गए, 2-4 अभी हैं। मुख्य मेन जो है कारबरदार जो है, जो रामाश्री यादव या समथिंग रामाश्री ही नाम है, उसने जो है सारे घटना को अंजाम देने का काम किया था, उकसाने का काम किया था और ये मनबड़ी उसकी है, उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। हम लोगों ने आज आकस्मिक जो है एक बैठक किया और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जब तक इन सभी अभियुक्तों का चलान नहीं होगा, FIR दर्ज नहीं होगा, तब तक हम न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे, हम लोग कार्य नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे ये पता है, आम जनमानस जानता है, आप भी हमारे एक स्तंभ कहे जाते हैं, पत्रकार बंधु हैं, कि उत्तर प्रदेश की धरती पर हर जगह अधिवक्ता जो कि सजग प्रहरी होता है, संवेदनशील होता है, लोगों के दुख दर्द को देखता है, अपना दुख दर्द समझ लेता है, स्वयं लड़ाई लड़ता है, उसके ऊपर तमाम वारदात प्रदेश के हर जिलों में, हर तहसीलों में इस तरह से घटना हो रही है, जिसको जो है वकील अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है और वो कोई न कोई निर्णय लेगा। हमारे बार काउंसिल में भी तमाम निर्णय हो रहे हैं और इस बात को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते और मैं ये चाहता हूँ कि न्याय हो और जो है जो भी विधिक कार्रवाई कर सर है, ये किस अधिकारी के हम लोग जिलाधिकारी मड़ियाहू के यहाँ जा करके अपनी वार्ता को रखे, ज्ञापन दिया और CO मड़ियाहू से वार्ता हुआ, उन्होंने सांत्वना दिया कि ठीक है, भाई यार होगा, उनका चलान होगा। तो यदि जो है वीर संगत धाराओं में ये प्राविधान है कि उनका चलान हो तो होगा, नहीं तो 151 में तो मस्त है। क्यों सर, अपना परिचय दीजिए। कृष्ण कुमार सिंह एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष, तहसील बार मड़ियाहू। सर, ये बताइए, जो आज पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद बोल रहे हैं आप लोग, ये किस समस्या को लेकर है? ये बताइए। समस्या यह है, हमारे तहसील के परिसंवक्ता रामजस यादव और उनके परिवार ऊपर गांव के पड़ोसियों ने जबरदस्त ईंट पत्थर
लाठी डंडा लेके दौड़ाए और मारे, जिससे उनका टूटे। उनकी माँ को आई है, उनकी भतीजे को आई है, रामजस यादव जो हमारे यहाँ अधिवक्ता है उनको भी चोटे आई है। किस ग्राम ये मामला है? मुरकटिया का मैटर है, थाना सुरेरी, ग्राम मुरकटिया। ये अफसरों से बात भी हुई थी, जहाँ संज्ञान में आई कि 7 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें 4 लोगों को छोड़ दिया गया, 3 लोगों को बैठाए रखे हैं। और हम ये चाहते हैं कि जितने लोगों के नाम FIR जो प्रार्थना पत्र इन्होंने दिया है, जिन्होंने जाती किया है, अपराध किया है, दबंगई किया है, गुंडई किया है, वो सभी लोग गिरफ्तार हों। और जब तक FIR में जितने लोगों का नाम इन्होंने दिया है उनको गिरफ्तार हो जाते हैं, जब तक उनको जाता है या न्यायालय में भेजा जाता है, तब तक न्यायालयों से गिरफ्त रहेंगे, काम नहीं करेंगे। ये हम लोगों को दे दिया है कि हम लोग को दे दिया है, मरियादा दे दिया है, और आज पूर्ण न्यायिक कार्य। धन्यवाद।